दोस्तों, बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है, मगर क्या आप जानते हैं कि फूलते वक्त यह दो परतों में कैसे बढ़ जाती है। दोस्तों, दो जून की रोटी जुगाड़ने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, मगर रोटी से जुड़ी इस बात से शायद ही वाकिफ हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी वजह है जो रोटी फूलने के बाद दो परतों में बढ़ जाती है, जबकि बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है। अब यह कोई जादू तो नहीं है, तो चलिए आपको बताते हैं इस प्रक्रिया के पीछे की क्या है असली वजह। दरअसल रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं, तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है। इसे लाशा या ग्लूटिन कहते हैं, और इसकी खासियत यह होती है कि अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद फूला रहता है, और रोटी को सेकने पर लाशा के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में वह रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उस तरफ एक पपड़ी सी बन जाती है। ठीक वैसे ही दूसरी तरफ से सेकने पर रोटी के उस वाले हिस्से में भी पपड़ी बन जाती है। इस तरह इन दो पपड़ियों के अंदर बंद कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म होने से पैदा हुई भाप की वजह से रोटी की दो अलग अलग परतें बन जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लाशा का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से रोटी गेहूं की रोटी खूब फूलती है। मगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो बाजरा और मक्का की रोटी या तो नहीं फूलती है या फिर बहुत कम फूलती है, और इससे स्पष्ट रूप से दो परतें भी नहीं बन पाती। इसकी वजह है इन अनाजों में लाशा की कमी का होना। तो रोटी फूलने के लिए लाशा का होना बहुत ज़रूरी है।